हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों मैं हूं फ्रॉम पिपटन फैक्ट से और लेकर आया हूं आपके लिए कुछ मजेदार और हैरान कर देने वाले फैक्ट। जैसे कि एक औरत जो पिछले 60 सालों से सिर्फ और सिर्फ रेत खाकर जिंदा है, और दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कितना बड़ा है, और एक ऐसी मूर्ति जिसका घूंघट पत्थर का है। जी हाँ, पत्थर का। जब आप पिक देखोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों एक मुर्गी होती है जिसका नाम होता है दा एम सिमानी, और भारत में इसको बोला जाता है कड़कनाथ। इसकी खास बात यह है कि इसके अंडे, इसकी हड्डी, इसका खून, जहाँ तक कि जो इसका मांस होता है वो भी काले कलर का होता है। जी हाँ, काले कलर का, जैसा कि आप पिक में देख रहे हो। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा जीव है जिसका कि खून, हड्डियां वगैरह सब कुछ काले कलर का होता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के दौरान एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। बात यह है कि यहाँ पर यूक्रेन के एक किसान ने रशिया के टैंकर को चुरा लिया। जी हाँ, टैंकर को चुरा लिया। अब आपको तो पता ही है कि टैंकर कितने भारी भरकम होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन यूक्रेन के एक किसान ने इसको अपने ट्रैक्टर से खींच लिया, और ये दुनिया का एकमात्र और पहला टैंकर है जो चोरी हुआ। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आप लोगों ने एक से बढ़कर एक मूर्तियां देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने ऐसी मूर्ति देखी है जिसका घूंघट पत्थर का हो? जी हाँ, पत्थर का। आप ये खुद में ही सोचने वाली बात है कि पत्थर जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, लेकिन कारीगर ने अपनी कला से इस पत्थर को आर पार देखने के लायक बना दिया। ये जो पिक आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये राजस्थान की है, जहाँ के एक मूर्तिकार ने इस मूर्ति को बनाया है। इसी बात से पता चलता है कि भारत में एक से बढ़कर एक कलाकार बैठे हुए हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों ये जो पिक आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है कुसुमावती। ये बनारस के कटारी गांव की रहने वाली है। इनकी हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये पिछले 60 सालों से रेत खा रही है। जी हाँ, रेत यानी कि बालू। हुआ ऐसे था कि बचपन में इनको पेट में दर्द हुआ, तो इनकी माँ इनको एक वैद्य के पास ले गई। उस वैद्य ने बताया कि गाय के दूध में बालू मिलाकर पियोगे तो आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। इन्होंने ऐसा ही किया। इनका पेट दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन इनको बालू खाने की ऐसी आदत पड़ी जो अभी तक नहीं छूट रही। ये हर रोज बालू लाकर उसको अच्छे से धोकर और फिर सारा दिन खाती है। हैरानी की बात यह है कि अभी भी ये बिल्कुल स्वस्थ है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों इस पिक को जरा गौर से देखिए, आपको क्या लगता होगा, ये कुत्ता है? जी नहीं, ये असल में शेर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका ये हाल कैसे हो गया। असल में इसको बहुत दिनों तक खाना नहीं दिया गया, तो सही टाइम पर खाना ना मिलने की वजह से इसकी ये हालत होगी। अब आप समझ गए होंगे कि इंसान और जानवरों के लिए सही टाइम पर खाना कितना सही है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों ये जो पिक आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये रोमन के मकबरे से मिली थी, जो कि एक वाइन की बोतल है। जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये 1650 साल पुरानी है, और हैरानी की बात यह है कि इसको कभी भी खोला नहीं गया, और इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये बिल्कुल सही सलामत थी। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर आपके पास बहुत कम जमीन हो और आपने करनी भी खेती हो तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, आप ठेके पर जमीन लोगे और उस पर खेती करोगे। लेकिन इजराइल, जो कि एक बहुत ही छोटा देश है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वहां के किसान वर्टिकल खेती करते हैं। जी हाँ, वर्टिकल। वर्टिकल खेती क्या होता है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये खेती धीरे धीरे भारत में भी होनी शुरू हो गई है। आपकी इस बारे में क्या राय है, और आपने कभी इसको देखा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अमेरिका में एक सड़क है जिसे डेथ वैली कहा जाता है। इस सड़क की खास बात यह है कि इस सड़क में कोई भी मोड़ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात इसमें यह है कि ये 200 किलोमीटर लंबी है। जी हाँ, 200 किलोमीटर लंबी और कोई भी मोड़ नहीं है। यानी कि अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो आप एक राज्य से शुरू होकर दूसरा पार कर जाओगे और तीसरा स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बीच में कोई मोड़ नहीं आएगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी लंबी सड़क है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप लोग कोई ना कोई गेम खेलने के आदि जरूर होंगे, लेकिन ताइवान के एक 72 वर्ष के इस आदमी को गेम खेलने की इतनी ज्यादा आदत लगी है जो आप स्क्रीन में देख ही सकते हो। ये 72 वर्ष का आदमी ताइवान का रहने वाला है, और जे पोकेमोन गो गेम को 72 मोबाइलों पर एक साथ खेलता है। जी हाँ, 72 मोबाइलों पर एक साथ खेलता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों सऊदी अरब में एक एयरपोर्ट है जो कि 78,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि 78,000 हेक्टेयर कितना होता है? तो आपको बता दे,
कि ये जो एयरपोर्ट है भारत के मुंबई शहर जितना बड़ा है। अब आप सोच के कि एक एयरपोर्ट वो भी मुंबई शहर जितना बड़ा, अब आपको तो पता ही होगा कि मुंबई शहर कितना बड़ा है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर सच में अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, साथ ही हमारे चैनल फ्रॉम पिवटन फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।